नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हरियाणा में जो सरकारी खजाना छोड़ा था, भाजपा सरकार ने उसी खजाने को अनाप शनाप चीजों की खरीद में व्यर्थ कर दिया है। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी जिस तरह से आज करनाल में चरम सीमा पर है, उसके पीछे एक भाजपा नेता का हाथ है, या ये कहा जाए कि जो करनाल में घोटाले हो रहे हैं उन पर एक स्थानीय भाजपा नेता का हाथ है, तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह ने एक विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में करनाल प्रशासन द्वारा पिछले 45 दिनों तक जो काम किए गए हैं उससे स्थिति बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में करनाल में 3 कोरोना के केसों का आना चिंता का विषय है, क्योंकि यह बीमारी किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को देखकर नहीं आती। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हुए यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि यदि करनाल की सामाजिक संस्थाएं सहयोग ना करती तो गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति बद से बदतर हो जाती। इसके अलावा मुख्यमंत्री को अपने संबोधन में सभी कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया, यह बात भी गलत है। भाजपा राज में लोग दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। लॉकडाउन में जहां लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, ऐसे में सरकार ने महंगाई बढ़ाकर उनके जख्मों पर नमक डालने का काम किया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सरदार त्रिलोचन सिंह ने। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदार और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज इस समय हमारे साथ मौजूद है विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए करनाल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, समाज सेवी और करनाल विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके सरदार त्रिलोचन सिंह जी। मैं इनसे कुछ मुद्दों और बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में कोरोना के करनाल में 3 केस एक्टिव आए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, भी कहां पर चूक रही है? देखिए, प्रशासन पिछले 45 दिन से लगातार मेहनत करके करनाल को बचा कर ले आया था, लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है, पिछले 2 दिन के अंदर 3 केस आए हैं। अभी भले ही ये 2 केस दिल्ली से कुछ समय पहले, कोई 1 दिन पहले या कोई 6 घंटे पहले आया था, उससे हो सकता ज़्यादा कोरोना ना फैला हो, लेकिन एक जो लोकल सब्जी वाला है जो यहीं का रहने वाला है, ये चिंता का विषय है। प्रशासन पूरी मेहनत से काम कर रहा है, उसके बावजूद ये केस बढ़ते हैं तो ये चिंता का विषय है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द इनमें काबू पा लिया जाएगा और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। सर, इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से करनाल प्रशासन पिछले 45 दिनों से लगातार मेहनत कर रहा था, मेहनत के रंग भी सामने आ गए थे, लेकिन जो 3 केस एक्टिव आए वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो सब्जी वाला पृथ्वी विहार का रहने वाला है वो पॉजिटिव पाया गया, उसने कई स्थानों पर जाकर सब्जी भी बेची होगी, ऐसे में उन स्थानों की स्क्रीनिंग अवश्य होनी चाहिए। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यह लॉकडाउन की ढील दी गई है, उसका क्या, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन अभी नहीं खुलना चाहिए था, मैं विभाग किराए रख रहा हूँ आपके सामने, लेकिन क्योंकि 40 दिन के अंदर ही हमारी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह हाँफ गई थी, उनके पास फंड नहीं थे लोगों को मुहैया कराने के लिए अनाज या बाकी सुविधाएं, जो पैसा भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा छोड़ के गए थे वो पिछले 5 साल में सरकार ने कभी हेलीकॉप्टर और जहाज़ और कारें और अनाप शनाप खरीदने में लगा दिए, और फंड नहीं थे तो इसलिए इनकी मजबूरी हो गई थी सरकार की कि ये हमारे तक अनाज और ज़रूरती चीज़ें नहीं पहुंचा सकते थे, इन्होंने बाज़ार खोलकर अपने कंधे से भार को उतारने की कोशिश की है। मैं मानता हूं अभी बाज़ार नहीं खुलने चाहिए थे, लोग बैठे हुए थे, लोग समझ चुके थे कि कोरोना के दौरान हमने क्या करना है, बहुत कम लोग थे जो दिहाड़ीदार मजदूर रेहड़ी वाले, उनके खाते में इन्होंने पैसे डालने की बात कही थी, किसी में खाते में पैसे नहीं डाले। अगर इन्होंने समय रहते उनको खाते में पैसे डाले होते, अनाज प्रॉपर डिपुओं के माध्यम से मिला होता, तो शायद वो इतनी उतावली ना करते और अभी कुछ दिन और निकल सकते थे। सर, इनका ये कहना है कि लॉकडाउन में जो ढील दी गई है वो भी नहीं दी जानी चाहिए थी। इनका ये भी कहना है कि भाजपा के शासनकाल में, भाजपा के राज में सरकार का खजाना बिल्कुल खाली हो गया है, उस खजाने को कांग्रेस ही छोड़ कर गई थी, जिस खजाने को उन्होंने अनाप शनाप खर्चों में
खर्च कर दिया है, अनावश्यक शनाप चीज़ें खरीदी उन्होंने, इसलिए अब उनके पास लोगों को राशन मुहैया करवाने के लिए कोई फंड नहीं था। इसके लिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने बाज़ार खोलने के आदेश दे दिए, जबकि लॉकडाउन में ढील अभी नहीं दी जानी चाहिए थी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज से शराब के ठेके खुल गए, क्या ये निर्णय सही है गलत है? देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, हरियाणा की सारी सरकार ठेकों के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि इससे बहुत मोटा मुनाफा एक नंबर में भी और दो नंबर में सरकार को, सरकार में बैठे कुछ नुमाइंदों को हो रहा था। इसलिए इनका पूरा जोर था भी ठेके खोले जाएं, अगर ना खोलते ठेके तो अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने ठेके खोले सिर्फ इसलिए कि ये इसके बजाय इनकी सरकार नहीं चल सकती और माफिया भी चाहता था कि ठेके खोले जाएँ। सर, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति ही वही भाजपा के राज में देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है? देखिए, ये कहने की बात है, पेट्रोल डीजल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, सब्जियों के रेट बढ़ा दिए, बसों का किराया बढ़ा दिया और हर एक तरह के कई चीज़ों के इन्होंने रेट बढ़ा दिए। मार्केट में जो लॉकडाउन से पहले दाल 60 रुपये 70 रुपये मिलती थी, 100 रुपये पर चली गई, ये कहीं भी मुनाफाखोरी रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो एक ठेकों के सिर पे इनका कहना भी अर्थव्यवस्था चल रही है, तो मैं सोचूंगा भी बाकी सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाए, खाली ठेकों पे ध्यान दे दिया जाए, और क्या जरूरत है बाकी डिपार्टमेंट चलाने का। सर, सरकार ने भी पिछले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब तंबाकू गुटखा पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब तो तुरंत ही खोल दिए, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तंबाकू गुटखा आप समझ रहे हो कि बहुत बड़ा माफिया है जो इसका चेन चलाता है। एक दूध डेयरी तो 1 घंटा खुलती है, पनीर 2 घंटे बिकता है, किराना 4 घंटे बिकता है, तम्बाकू और शराब और गुटखा हर समय मिल जाता है। ये इससे साफ नज़र आता है कि सरकार माफिया के प्रेशर में काम करती है और इनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। सर, जैसे अब तंबाकू के रेट बढ़ा दिए, 10 रुपये वाला बंडल 25 में मिल रहा है, 10 वाली सिगरेट 15 में मिल रही है, तो इसका मतलब तो ये कहना होगा ना कि ये कालाबाजारी होगी, मुनाफाखोरी होगी, तो सरकार इसका मतलब मुनाफाखोरों पर कालाबाजारों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं रही? देखिए, सोनिया गांधी जी ने, हरियाणा के नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, बहन शैलजा जी ने ये वादा किया था कि हम कोरोना के दौरान सरकार की मदद करेंगे। मदद का मतलब ये नहीं था कि हम गूंगे और बहरे बन के बैठ जाएंगे। आज समय आ गया है कि गूंगे बहरे नहीं बने, वो बात बताएं जो लोगों के लिए ज़रूरी है। ये जो कालाबाजारी है, ये सरकार के मंत्रियों के, कुछ नेताओं के, लोकल नेताओं के नाक के नीचे चल रही है, इसलिए इनका कोई भी कंट्रोल इन पे नहीं हो रहा। माफिया पूरी तरह इन पे हावी है, सरकार इनके सर भरोसे पर चल रही है, इसलिए इनका ये रेट बड़ा मुनाफाखोरी पे कंट्रोल नहीं हो रहा। सर, इनका ये कहना है कि जिस तरह से शराब को खोला गया है, तंबाकू के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट, महंगाई बढ़ गई लगातार, बसों के किराए बढ़ाए गए, जबकि इस दौरान सरकार को इन चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए था, इन चीज़ों में लोगों को राहत देनी चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत भाजपा के राज में महंगाई लगातार बढ़ी है, जो कि मिडिल क्लास और छोटे रोजगार चलाने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि इन लोग 45 दिनों के लॉकडाउन के दौरान अपने घरों पर बैठे थे, उनकी कमर बिल्कुल ही टूट चुकी है। और इनका ये भी कहना है कि कुछ नेताओं के इशारों पर, कुछ माफिया के इशारों पर सरकार चल रही है, तभी ये ठेके खोले हैं, तभी मुनाफाखोरी चल रही है। इस मुनाफाखोरी की खबर पूरे प्रशासन को है, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि उनके ऊपर भी उनके सरपरस्त बैठे हैं। सर, मैं ये आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि सर, पिछले कुछ दिनों में राशन डिपो में धांधली को लेकर कई चीज़ें उजागर हुई हैं, उसके बारे में आपको कहना चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि कुछ डिपुओं पे बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई। ये जो इनके ऑफिसर हैं फूड सप्लाई के, उनकी शय पर होती है, उनकी मिली भगत पर होती है। शराब जो करनाल में लॉकडाउन के दौरान शराब बिकती रही, और दूसरा डिपुओं के माध्यम से जो घपलेबाजी हुई, और एक और मैं साथ बात जोड़ देना चाहता हूँ कि करनाल के अंदर ही बीजेपी के एक नेता ने इनको संरक्षण दे रखा है, शराब माफिया को भी शराब बेचने के लिए, डिपो वालों को गलत सामान बेचने के लिए, और तीसरा करोड़ों रुपया चंदे का 2 नंबर में इकट्ठा किया गया करके, वो कहाँ है उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। हमारे मुख्यमंत्री पास करोड़ों रुपये पहुँचे हैं, वो कोई हिसाब नहीं दे रहे। ये 3 स्कैंडल करनाल के अंदर जो हैं, इनके पीछे एक ही नेता है भाजपा का। समय आने पर उसके खिलाफ हम खुल के बोलेंगे भी और मांग भी करेंगे उसकी इंक्वायरी के लिए, उसके खिलाफ हम
का अगर सबूत मिला तो FIR भी दर्ज कराएंगे। देखिए, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने यह कह दिया कि करनाल के भाजपा नेता के संरक्षण में ही करनाल में माफिया पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। शराब भी लॉकडाउन के दौरान खुलेआम लोगों को मिली है, ब्लैक में मिली है। इसी तरह से जो डिपुओं पर धांधलीबाजी हो रही है उसके पीछे भी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ भाजपा नेता का संरक्षण प्राप्त है। सर, मैं एक अब आप आखिर में आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि अब इस स्थिति में जैसे कि अब रोजगार नहीं है लोगों के पास, प्रवासी मजदूर अपने घर जाने को बेताब हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है खाने को, लोगों को राशन वितरित नहीं मिल रहा, सामाजिक संस्थाओं को अगर सहयोग ना होता तो फिर उनका क्या हाल होता? देखिए, पहले दिन से लेकर अब तक करनाल के अंदर, मैं करनाल की बात करता हूँ, सारे हरियाणा में वही चल रहा है, करनाल के अंदर सामाजिक संस्थान ना होती, निर्मल कुटिया, डेरा कार सेवा, माँ झंडे वाली, लक्ष्य जनहित सोसाइटी, निफा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, COVID-19, मानव सेवा संघ, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी संस्थाएं हैं, अगर वो दिल खोल कर काम ना करते तो आज करनाल के अंदर बड़ी स्थिति बदतर होती, क्योंकि यहाँ का मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री ने करनाल में आने का कष्ट नहीं किया, ना ही उसने किसी दुख सुख में शामिल होने की बात कही। ये तो राजा करण की धरती है, जो दान देना जानते हैं, इस करके ये अब तक चल रहा है। बहुत सारी संस्थाओं ने दिल खोल के आगे बढ़कर काम किया। COVID-19 जो है वो आज भी मैंने देखा कई जगह पर अनाज बांट रही है, जनहित लक्ष्य जनहित सोसाइटी भी आज कई जगह लगी हुई है, मानव सेवा संघ, झंडे वाली और बहुत सारी संस्थाएं, करनाल का जो व्यापार मंडल है वो भी बड़ा काम कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इनका नाम नहीं लिया इन संस्थाओं का, इनका भी नाम लेना चाहिए था, सभी संस्थाएं काम कर रहे हैं। और तो और, करनाल के पत्रकार, मीडिया अपनी जान पर खेल कर इनके प्रशासन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा भी कर रहा है और खबरें भी ले रहा है और हर जगह वह पहुंच रहा है जहां आम आदमी नहीं पहुंच सकता। CM साहब को अपने संबोधन पे करनाल के पत्रकारों को भी सलूट करना चाहिए था, करनाल के डॉक्टरों को, नर्सों को और उसके साथ साथ आंगनबाड़ी वाली जो बहनें हैं उनको भी सलूट करना चाहिए था, और सफाई कर्मचारियों को तो बात सब जानते हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्सें हैं, पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैद है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने संबोधन में बहुत सारी संस्थाओं का जो नाम नहीं लिया, इसका उससे विश्वासघात नजर आता है, लगता है उन्हीं संस्थाओं का नाम लिया जो जिनको वो पर्सनली जानते हैं। ये थे हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी, इन्होंने बिल्कुल बेबाकी से इस बात को स्वीकारा और इस बात को जनता के सामने रखने का प्रयास भी किया कि अगर करनाल में सामाजिक संस्थाएं ना होती तो यहाँ पर जो स्थिति थी गरीबों की और मिडिल क्लास लोगों की, उनकी स्थिति विकराल हो सकती थी, दयनीय तो वो है ही, इससे भी बदतर उनकी ज़िंदगी हो सकती थी। इसके अलावा उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप ये लगाया कि उन्होंने करनाल में किसी भी संस्था की सुध नहीं ली, करनाल में आने जाने वाले लोगों की कोई सुध नहीं ली, करनाल के क्या हालात चल रहे हैं उनको नहीं, उनकी किसी की सुध नहीं ली, ना ही उन्होंने, इनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री को चाहिए था कि अपने संबोधन में जो कि इस कोरोना योद्धा हैं उनको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उनको सैल्यूट करना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष में जो चंदा दिया गया है उसमें करोड़ों रुपए एकत्रित किया गया, उसका भी अभी तक कोई भी ब्यौरा जनता के सामने नहीं दिया गया, जबकि उनको यह करना चाहिए था कि जो चंदा एकत्रित हुआ है उसे कहाँ और कैसे खर्च किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.